योग गुरु पद्मश्री स्वामी भारत भूषण जी के नेतृत्व में गठित विविध चिकित्सा पद्धतियों, योग व आहार विज्ञान विशेषज्ञों की शोध टीम द्वारा विकसित पहला COVID-19 रोधक व प्रबंधन योग प्रोटोकॉल कोरोना वायरस से बचाव के लिए दुनिया को मोक्षायतन योग संस्थान की ओर से अमूल्य भेंट। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। जल नीति के लिए नेति पॉट के मुंह को अपनी नासिका छिद्र में लगाएंगे, अपने मुंह को खोलेंगे, श्वासों को मुंह के द्वारा लेंगे, थोड़ा सा आगे की ओर झुकेंगे और जल को सहजतापूर्वक अपनी नासिका से प्रवेश होने देंगे। यही क्रिया दूसरी नासिका छिद्र से भी दोहराएंगे। इसके बाद आगे की ओर झुककर विरेचन क्रिया का अभ्यास करेंगे, जिससे कि जो नाक में बचा हुआ पानी है वो सभी बाहर आ जाए। सूत्र नीति के लिए एक सूत्र को सहजतापूर्वक अपनी नासिका छिद्र में प्रवेश करवाएंगे, कंठ तक पहुंचने पर उसको अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली से सहजतापूर्वक पकड़कर धीरे धीरे बाहर की ओर खींचेंगे। यही क्रिया दूसरी नासिका छिद्र से भी दोहराएंगे। कपाल भाति के लिए पद्मासन में बैठ जाएंगे, अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। इसके बाद अपनी नाभि को संकुचित करते हुए सांसों को वेगपूर्वक बाहर छोड़ेंगे। केवल सांसों को वेगपूर्वक बाहर छोड़ने पर ही ध्यान लगाएंगे। विरेचन क्रिया के लिए सर्वप्रथम खड़े हो जाएंगे, एड़ी पंजे मिले रहेंगे, अपने हाथों को सामने की ओर लाएंगे, अंगूठों को दबाते हुए मुट्ठी बनाएंगे, कोहनियों को 90 डिग्री के कोण पर मोड़ेंगे और सांस भरते हुए कोहनी को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए कोहनी को अपनी मनोवाहिनी नाड़ियों पर, अपनी पसलियों पर लगाएंगे। केवल सांसों को बाहर छोड़ने पर ध्यान लगाएंगे और फिर हाथों को आसमान में फैलाकर सर को थोड़ा सा पीछे की ओर लटकाकर अपने आप को शिथिल करेंगे। वाम विरेचन के लिए अपने दाएं नासिका छिद्र को अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से बंद करके सांसों को केवल वेगपूर्वक बाहर छोड़ने का अभ्यास करेंगे। दक्षिण विरेचन के लिए अपनी बाईं नासिका छिद्र को अपने दाहिने हाथ से बंद करेंगे और सांसों को बाहर छोड़ने पर ध्यान लगाएंगे। सर्वांग गति, अपने दोनों पैरों में कंधों से दुगनी दूरी बना लेंगे, अपने हाथों को ऊपर की ओर ले जा करके आपस में मिला लेंगे। इसके बाद सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे, फिर सांस भरते हुए अपनी दाहिनी ओर से ऊपर की ओर उठेंगे, थोड़ा पीछे की ओर मुड़ते हुए फिर सांस छोड़ते हुए अपनी बाईं ओर से नीचे की ओर आते हुए अपने हाथों को अपने पैरों के बीच में रखेंगे और यहीं से वापस। गर्दभ गति के लिए शवासन में लेट जाएंगे, दोनों घुटनों को मोड़ते हुए पेट के ऊपर लाएंगे और अपने हाथों से घुटनों को पकड़ लेंगे। इसके बाद आगे और पीछे की ओर झूलेंगे। इसी तरह से दाईं और बाईं ओर भी झूलेंगे। अश्व संचालन गति के लिए सर्वप्रथम अश्व संचालन की स्थिति में आएंगे, इसके बाद वेगपूर्वक सांसों को बाहर छोड़ते हुए पैर बदलेंगे। सिंह गर्जन के लिए वज्रासन में आ जाएंगे, अपने घुटनों में थोड़ा सा अंतर बनाएंगे, अपने हाथों को घुटनों के बीच में रखेंगे, आगे की ओर थोड़ा सा झुकते हुए मुंह को पूरा खोलकर जीभ पूरी बाहर निकालकर पूरे जोर से गर्जना करेंगे। ऊर्जा गति, खड़े हो जाएंगे, एड़ी पंजे मिला लेंगे, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे और पीछे की ओर मुड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए
आगे की ओर झुकते हुए हाथों को अपने पैरों को साथ में रखेंगे। अश्व संचालन। दंडासन की स्थिति में आएंगे, अष्टांग नमस्कार में आएंगे। इसके बाद सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठते हुए भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन, अश्व संचालन। माइक्रो एक्सरसाइजेस के लिए सर्वप्रथम खड़े हो जाएंगे। सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे, हाथों को पीछे की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। अपने हाथों को 45 डिग्री के कोण पर खोलेंगे, हथेलियां बाहर की ओर करेंगे और सांस भरते हुए हाथों को पीछे की ओर ले जाएंगे और सर को थोड़ा सा पीछे की ओर लटकाएंगे। एड़ी पंजे मिले रहें। अपने दोनों हाथों को अपने सीने के सामने लाएंगे कि आपकी मध्यमा उंगली दोनों हाथ की एक दूसरे को स्पर्श करे। अब सांस भरते हुए अपने हाथों को फैलाएंगे और अपने पंजों के ऊपर आ जाएंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। अश्वत्थासन के लिए अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, अपने बाएं हाथ को भूमि के समतल रखेंगे और दाएं पैर को पीछे की ओर मोड़ेंगे, सर को भी पीछे की ओर करेंगे। मरकट आसन के लिए शवासन में लेट जाएंगे। इसके बाद अपने हाथों को 45 डिग्री के कोण पर खोलेंगे, हथेलियां जमीन की ओर और अपने घुटनों को मोड़ करके पैरों को नितंब के पास रखेंगे। अपने घुटनों को दाईं ओर मोड़ेंगे, अपने घुटनों को दाईं ओर मोड़ेंगे जिससे कि आपका बायां घुटना आपके दाहिने पैर को स्पर्श करे। इसी प्रकार दूसरी ओर भी करेंगे। गौमुख आसन के लिए सर्वप्रथम दंडासन में आएंगे और अपने पैरों को इस तरह से मोड़ेंगे कि आपका दायां पैर बाएं नितंब के पास और बायां पैर दाएं नितंब के पास आ जाए। फिर जो पैर ऊपर हो वही हाथ को सर के पीछे से लाकर दूसरे हाथ को पीछे से पकड़ेंगे। मंडूक आसन के लिए वज्रासन में बैठ जाएंगे। अपने अंगूठे को दबाते हुए मुट्ठी बनाएंगे और उसको अपनी नाभि के ऊपर रखेंगे। अपने बाएं हाथ को अपने दाएं हाथ के ऊपर रखेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते चले जाएंगे। सर्पासन के लिए अपने पेट के बल लेट जाएंगे, हाथ सर के बराबर में और कोनियां जमीन पर, एड़ी पंजे मिले रहेंगे। सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे जिससे कि कोनियां जमीन पर ही रहें, एड़ी पंजे मिले रहें। मत्स्येन्द्र आसन के लिए अपने बाएं पैर को अपने दाहिने नितंब के पास रखेंगे और अपना दायां पैर बाएं घुटने के पास जमीन पर खड़ा करेंगे। दाईं ओर घूमते हुए अपना बायां हाथ से दाहिने पैर को पकड़ेंगे और दाहिने हाथ से घूम करके अपनी कमर पर हाथ लगाएंगे। यही क्रिया दूसरी ओर से भी दोहराएंगे। उष्ट्रासन के लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे, उसके बाद अपने घुटनों पर उठेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर झुकते हुए अपने दाएं हाथ से अपने दाएं पैर को और बाएं हाथ से अपने बाएं पैर को पकड़ेंगे, गर्दन को पीछे की ओर लटका देंगे। पद्मासन में बैठ जाएंगे। अपनी जीभ को मोड़ करके एक पाइप जैसा बना लेंगे, जीभ से वायु का पान करेंगे और उदर पे ले जाएंगे। उदर में रखने के बाद उसको डकार के रूप में बाहर छोड़ देंगे। हृदय मुद्रा के लिए अपनी तर्जनी उंगली को मोड़ करके अपने अंगूठे के मूल में लगाएंगे और मध्यमा और अनामिका उंगली को अपने अंगूठे के छोर से परस्पर स्पर्श कराएं। भ्रामरी प्राणायाम के लिए पद्मासन में बैठ जाएंगे। अपनी तर्जनी उंगली से
अपने कानों को बंद करेंगे, मुंह बंद रखकर ओम का उच्चारण करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए पद्मासन में बैठ जाएंगे। इसके बाद हाथों से ज्ञान मुद्रा बना करके हाथों को घुटनों के ऊपर रखेंगे, वेग पूर्वक सांसों को बाहर छोड़ेंगे और अंदर लेंगे। सांस भरकर मूल मन लगाएंगे और अपनी ठुड्डी को अपने हृदय प्रदेश में स्थापित करेंगे। सूर्य भेदी प्राणायाम के लिए पद्मासन में बैठ जाएंगे। अपने दाएं हाथ से बाईं नासिका छिद्र को बंद करते हुए अपने दाएं नासिका छिद्र से सांसों को अंदर भरेंगे और दाएं नासिका छिद्र को बंद करते हुए अपनी बाईं नासिका छिद्र से सांसों को धीरे धीरे बाहर छोड़ देंगे। स्वस्थ और आनंदित रहना मेरा धर्म है। मुझे नियमित योगाभ्यास द्वारा स्वयं को जानना और अपने आप को परिवार, देश व मानवता की सेवा के योग्य बनाना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवे। ओम शांति शांति शांति।